दोस्तों एक बार फिर से आपको नमस्कार है और मैं हूं आपका अपना अविनाश त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यात्री द ट्रेवलर पर। दोस्तों मैं हूं जो आप मेरे पीछे ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ये है हल्दी घाटी। उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी, जहाँ पर 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सेना, जिसका कि नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह, तो उनके बीच में एक ज़बरदस्त युद्ध लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को ज़बरदस्त धूल चटाई थी। तो ये वो दर्रा है, माउंटेन पास है हल्दी घाटी जिसको बोलते हैं। यहाँ से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये है हल्दी घाटी दर्रा, और इसको हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये घाटी है और हल्दी जैसे पीले रंग की यहाँ मिट्टी होती है, जो पत्थरों का रंग है ना, तो वो ये आप देखिए ये पत्थर है जो मिट्टी है ना, तो इसका रंग जो है वो हल्दी की तरह से पीला होने की वजह से इसको हल्दी घाटी बोला जाता है। ये है मुख्य दर्रा, ये जो है उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और खामनोर और बलीचा गांव के बीच में जो है ये दर्रा पड़ता है, माउंटेन पास है ये दर्रा जिसको हल्दी घाटी बोला जाता है। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, पवित्र जगह है, ज़बरदस्त। दोस्तों ये गुफा है जहां महाराणा प्रताप बैठ करके मीटिंग किया करते थे आगे की अपनी युद्ध के बारे में, जो भी उनको प्लानिंग करनी होती थी, स्ट्रेटजी बनानी होती थी, वो और उनके साथी यहाँ बैठ कर के गुफा में मीटिंग किया करते थे। अंदर चलते हैं, मुझे बताया गया है कि गुफा तो अब अंदर से बंद है, करीबन 1 किलोमीटर लंबी है शायद, और यहाँ मंदिर है। ये माता का मंदिर है, महादेव का मंदिर, जय भोलेनाथ, बाबा बजरंगबली। गणेश जी, ये गुफा के बाहर महादेव का मंदिर, ओम नमः शिवाय। दोस्तों हम हैं महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक की समाधि पर। जब महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सेना का युद्ध हो रहा था तो लड़ते 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 महाराणा प्रताप का चेतक जो घोड़ा था वो घायल हो गया, और महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। तो जिस जगह पे घोड़ा गिरा था, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उस जगह पे ये स्मारक चेतक की याद में महाराणा प्रताप द्वारा बनवाया गया। और ये चेतक की समाधि के बगल में ये भोलेनाथ का मंदिर है, और ये मंदिर उससे पहले का है। ये महाराणा प्रताप संग्रहालय म्यूजियम, 120 रुपए का टिकट है, टिकट लेकर के एंट्री। महाराणा प्रताप का स्टेचू,
ये मेवाड़ा अधिपति महामंगलेश्वर महादेव का मंदिर, एटीएम भी है यहाँ एसबीआई का, युद्ध स्थल है ये। आज से लगभग 450 साल पहले 18 जून 1576 को युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मुग़ल सेना के बीच, और मुग़ल सेना जो अकबर की सेना थी उसका प्रतिनिधित्व या उसके सेनापति थे वो थे राजा मान सिंह। महाराणा प्रताप की सेना ने उनको अच्छी खासी धूल चटा दी थी। चेतक, ये गेट है कोई, चलिए संग्रहालय में चलते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में, और ये श्री कृष्ण जी, म्यूजियम में शो के लिए एंट्री। दोस्तों, यहाँ हल्दीघाटी म्यूजियम में महाराणा प्रताप के जीवन और हल्दीघाटी युद्ध के बारे में एक बहुत अच्छी मूवी दिखाई जाती है, वो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन वो देखने लायक है। आप जब भी आएँ तो वो मूवी आप देखेंगे ही, बहुत अच्छी मूवी है। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अश्वियां देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभ ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है।
ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी कुलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में हड़कंप मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और उन्हीं के पुत्र
महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। एरिया में साल में एक बार गुलाब जल बनाया जाता है। हल्दी घाटी में गुलाब के फूलों की यहाँ पर खेती होती है क्षेत्र महीने में। ये जो प्लांट आप देख रहे हो, प्लांट के अंदर गुलाब जल बनाते हैं, 10,000 गुलाब के फूल और 20 लीटर पानी डालते हैं, फिर टैंक को पैक करके नीचे से आग बनाते हैं। अंदर भाप जो बनती है वो बांस की नली द्वारा पीछे कोपर का बर्तन लगा हुआ है, उस कोपर के बर्तन में इकट्ठा होता है गुलाब जल। गुलाब जल आँखों में डालते हैं, मिठाई मेकअप पूजा के लिए काम आता है। दूसरा तैयार होता है गुलकंद। ताज़ा गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ और खड़ी मिश्री को कूटकर एक महीने तक सूर्य की किरणों में पकाते हैं। मुंह में छाले होते हो, गैस का पेट में जलन होती हो, तो उनके लिए गुलकंद तैयार होता है जो पेट की गर्मी दूर करता है गुलकंद। फिर गुलाब के फूलों की पत्तियों से गुलाब का शरबत तैयार होता है। इसके अलावा आंवले का अचार, मुरब्बा, आंवला कैंडी और डायबिटीज वालों के लिए जामुन के बीजों का अर्क बनाते हैं। इस एरिया में गुलाब की बहुत खेती होती है और विशेषकर चैत्र जो महीना होता है उसमें जो फूल होते हैं गुलाब के फूल, उनका एक विशेष महत्व है। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी समझी जाती है, चैत्री गुलाब जल बोलते हैं। यहाँ गुलाब के फूलों से गुलकंद, गुलाब जल, परफ्यूम और जो भी काफ़ी चीज़ें गुलाब से बनाई जाती हैं, गुलाब का शरबत। यहाँ के नॉर्मल जनजीवन रहट। रेस्टोरेंट बनाया हुआ है।
कुछ खाना पीना हो तो यहाँ बैठ करके खा सकते हैं। बिल्कुल चूल्हा भी है, चालू है, अगर खाएं तो यहाँ पे खाना खाया जा सकता है। आप अंदर भी बैठ सकते हैं, बाहर भी बैठ सकते हैं, खाना भी अवेलेबल है, स्नैक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। ये है गन्ने के रस की प्राचीन चरखी, रहत के जरिए जो जूस निकालते हैं। भैया जी पिलाओगे एक गिलास? कितने रुपए का है? 20 रुपए का एक गिलास, और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बैल खींचता है रहत और उससे जूस निकलता है। ये देखिए उन्होंने गन्ना लगा दिया है नींबू के साथ। ऐसा तो कुछ नहीं। ये देखिए रहट चलता हुआ, बैल खींच रहा है, आपका जूस बन रहा है, और बिल्कुल फ्रेश गन्ने का जूस आप पी सकते हैं। एक चक्कर घुमा और आपका जूस का एक गिलास तैयार। और आप बेंच भी है यहाँ, आराम से बैठ करके इस जूस को पी सकते हैं। बोटिंग के लिए भी है यहाँ, कैमल। ये देखिए गाय, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सचमुच की गाय हो। यहाँ आराम से बैठ सकते हैं आप। कॉल बेलिया सपेरे, गाड़िया लोहार, सामान्य जीवन को डिपिक्ट किया गया है यहाँ तरह तरह से। और यदि आपको सोमिनियर में कुछ लेना है तो यहाँ से काफ़ी कुछ खरीदा जा सकता है। मसाज है, अगर आप थक गए हैं तो मसाज भी करवा सकते हैं। कलरफुल रंग बिरंगे बच्चों के बड़ों के कपड़े। चलिए ये ख़त्म हुआ और अब बाहर एग्ज़िट करते हैं। काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए। बाहर आएंगे तो बाहर ये लोकल छोटा सा मार्केट है जहाँ से काफ़ी कुछ देखा जा सकता है, ख़रीदा जा सकता है। कैमल राइड भी है यहाँ, आप कैमल राइड भी कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अब खामनोर गांव, जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध लड़ा गया था, वो मैदान देखने के लिए जिसको कहते हैं रथ की लड़ाई। ये है खमनोर गांव। ये है रथ तलाई। दोस्तों ये वो मैदान है जहां महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। दोनों ही सेनाओं के हजारों सैनिक शहीद हुए थे और रक्त का तालाब जैसा हो जाने के कारण इसका नाम पड़ा रक्त तलाई। और ये एक स्मारक बना हुआ है यहाँ। ये भी महाराणा प्रताप
किस समय का ही है। अब इसको लगभग एक पार्क के रूप में डेवलप कर दिया गया है, अच्छी बात है। हमारी धरोहर हैं, पुरानी यादें हैं, वीरता की साहस का प्रतीक हैं, और वो हमें और हमारी पीढ़ियों को उनका पता होना चाहिए, उस चीज़ का एहसास होना चाहिए, और इसीलिए इन सब स्मारकों को और पुरानी यादों को अधिक से अधिक संरक्षित करके रखना चाहिए। तो ये एक अच्छा है, इसको एक पार्क जैसा बना दिया गया है, कभी ये युद्ध स्थल था। ये जो छतरी है ये ग्वालियर के बादशाह या राजा रामसा तंवर और उनके तीन बेटे वो सब महाराणा प्रताप की सेना में थे और मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो उनके बलिदान स्वरूप महाराणा कर्ण सिंह ने 1624 में ये छतरी स्मारक के रूप में बनवाई। ये है रक्त तलाई जगह। दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हल्दी घाटी की यात्रा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक रिक्वेस्ट उनसे जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपका अपना चैनल है, शेयर करें, लाइक करें और टाइम टाइम पर अपने सजेशंस भेजते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए साथ साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और प्रभु आशीर्वाद।